अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टेशनल डायबिटीज़। आज इस वीडियो में हम आपसे इसके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते हैं आपको मिलती रहें। अब हमारे टॉपिक के जाने पड़ते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी दौरान हमल या दौरान प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ है उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये इसकी अलामत में ये है कि आपको नोज़िया मतली महसूस होगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, मुंह या हलक का खुश्क होना, ये तमाम इसकी अलामत हैं। कुछ ख़वातीन में बार बार उनको पेशाब महसूस होता है, थकन महसूस होती है, पेशाब का बार बार आना, ये भी तमाम इसकी अलामत हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ की। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसका जो है टेस्ट करवाएँ। 24 to 28 वीक्स के दौरान ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होता है। बेहतर ये कि जैसे ही आप कंसीव करें आप अपना शुगर लेवल उसी वक्त अर्ली प्रेगनेंसी में ही चेकअप करवाएं। और अगर आपको 24 to 28 वीक्स के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हो भी जाए तो परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से या डॉक्टर से जिससे भी आपको पॉसिबल लगे आप अपना डाइट प्लान बनवाएं, मील प्लान बनाएं और आप उसी पे फोकस कीजिए ताकि आपका जो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ है इसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इसके नेगेटिव असरात भी आपके बच्चे पर हो सकते हैं, आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि आपके ज़रिए उसके अंदर भी एक्स्ट्रा शुगर जाती है और फिर जो एक्स्ट्रा शुगर है उसके नतीजे में एक्स्ट्रा इंसुलिन बनती है। जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है, लबलबा इंसुलिन बनाने का काम लबलबा करता है। और जब बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा शुगर जाएगी तो वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो फैट की सूरत में उस बच्चे के अंदर स्टोर होता जाएगा, जिसके नतीजे में बच्चे का वज़न भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो आप अपने इस गेस्टेशनल डायबिटीज़ के उस पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, डाइट पे अपना ध्यान रखें, नट्स में आपको क्या क्या खाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं खानी। वॉलनट खाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, खीरा खाएं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको जो चीज़ें खानी है प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, लेकिन एक प्रॉपर क्वान्टिटी में, एक प्रॉपर लिमिट में आपको खानी है। और शुगर वो फ्रूट्स जिनमें ज़्यादा शुगर हो आपको वो नहीं खाने हैं। तो आप अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से लाजमी डिस्कस करने के बाद अपने इस गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, इसको बढ़ने ना दें ताकि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई मज़ीद ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। और बच्चे का वज़न बढ़ने की वजह से जो डॉक्टर हैं वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादातर सी सेक्शन ही रिकमेंड करती हैं, क्योंकि वज़न इतना बड़ा होता है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको ट्राई करवाती है। बेहतर यह है कि आप अपने डाइट पे पूरा पूरा फोकस कीजिए। ये स्लाइड में भी मैंने आपके साथ जो खाना है वो भी शेयर किया हुआ है, आप इसको गौर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और जो नहीं खानी है वो चीज़ें भी आप तमाम देख लीजिए। शुक्रिया।